हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स अपने यूपीपीएससी मेंस 2018 में या फिर यूपीएससी मेंस 2018 में हिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक वीडियो सीरीज लेकर आई हूँ। जो आज का टॉपिक हम सिलेबस से शुरू करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है और हम कैसे कैसे पढ़ेंगे इसको, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे इसी सीरीज़ में हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे और ये पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री का। इसके दो पार्ट हैं, पेपर वन और पेपर टू, दो पेपर हैं। तो हम सबसे पहले पेपर वन का पार्ट ए और पार्ट बी कवर करेंगे। जब पेपर वन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पेपर टू पर जाएंगे। पेपर वन जो भी इसमें दिया हुआ है, एक एक टॉपिक के साथ हम शुरू करेंगे, बीच में से नहीं, शुरू से ही हर एक टॉपिक शुरू करेंगे। और हिस्ट्री हम ऐसे पढ़ेंगे एज जैसे कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हों, तो आप इसमें बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं कोई चीज़, और एक सीक्वेंस में चलेगी चीज़ें ताकि आपको हर चीज़ लर्न रहे। और जो भी इसमें चीज़ें दी गई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। एक बात और, ये हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चूज़ करें उनके लिए भी है, और जीएस पेपर वन में जो भी हिस्ट्री के टॉपिक्स हो रहे हैं और जो इसमें आ रहे हैं वो मैं साथ में कवर कराते हुए चलूँगी। और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता दूँगी कि ये टॉपिक जीएस पेपर वन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में और डिटेल में हिस्ट्री पढ़ते हैं, और अगर हम एज अ जीएस पेपर वन के लिए हिस्ट्री पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे, ज़्यादा हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ टॉपिक सेम होने की वजह से, कुछ टॉपिक इक्वल होने की वजह से हम लोग हिस्ट्री इसमें भी कवर करेंगे। तो आप लोग इसकी पीडीएफ जो है वो तो हर एक ही एक बार वीडियो देखने के बाद पीडीएफ को हर एक एस्पिरेंट अपने पास रख ले, क्योंकि जो हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर में आती है वही हिस्ट्री जीएस वन में भी है, बट उसकी डेप्थ गहराई थोड़ी कम हो जाएगी। हम लोग बिल्कुल अंदर से नहीं पढ़ते हैं जीएस पेपर वन के लिए, और अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसकी डेप्थ में जाकर हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। तो पीडीएफ जो है वो नॉर्मल जीएस वन के लिए भी काम आएगी और ऑप्शनल पेपर के लिए भी काम आएगी। वो मैं आप लोगों को जब भी वीडियो डालूंगी तो मेंशन कर दूंगी कि ये ऑप्शनल पेपर के लिए आप लोग पढ़ेंगे या फिर जीएस वन में भी यूज़ होगी, वो मैं आपको हमेशा मेंशन कर दूंगी वीडियो के अंदर ही। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री का, जो कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में अगर हम इतिहास लेते हैं तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस पैटर्न में हम लोग इस पेपर को करेंगे, और साथ के साथ हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे धीरे धीरे। बस थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ से मॉडल पेपर आ जाए कि पेपर इस हिसाब से आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा बहुत शुरू करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जल्दी ही। इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारा जीएस पेपर वन जिसमें भूगोल का एक टॉपिक चल रहा है, जो कि हमारा अर्थक्वेक उसमें हो चुका है और सुनामी चल रहा है अभी, इसी तरह जीएस पेपर वन में ही हिस्ट्री जो कि सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, इसमें लेडीज़ के इश्यूज़ और उसके आगे जो टॉपिक है जनसंख्या से रिलेटेड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ जल्द ही, तो वो मैं कराऊँगी। प्लस हमारा एथिक्स का वीडियो साथ के साथ चल रहा है, उस पर भी मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी। तो ये तीन चार सीरीज़ हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। तो होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, जो भी आप लोगों को चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए वो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, हम लोग उस पर ज़रूर गौर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे सिलेबस की तरफ। एक बार जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं यूपीपीएससी मेंस के लिए, उनको ये जीएस पेपर वन में भी काम आएगी चीज़ें। तो हिस्ट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, हिस्ट्री बहुत लेंथी सब्जेक्ट ज़रूर है। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक हमें पूरा इसमें कवर करना पड़ेगा। लेंथी है लेकिन हार्ड नहीं है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पेपर बहुत लिखना इजी हो जाता है। विथ मैप आपको आना चाहिए,
हमें सन याद होने चाहिए, ईस्वी याद होनी चाहिए और किसके बाद कौन आया, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो हम बहुत इजी वे में आराम आराम से पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे इसी तरह। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास में जो पेपर वन है उसमें खंड क में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला है भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन के स्रोत एवं दृष्टिकोण। अब यही टॉपिक हमें जीएस पेपर वन में भी दिया गया है, लेकिन हाँ इसमें जितना लेंथी जितना डेप्थ में है उतना जीएस पेपर वन में नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ हद तक तो पढ़ना है। तो जो मैं इसके नोट्स दूंगी वो जीएस पेपर वन के लिए सफिशियंट होंगे और जो मैं इसमें समझाऊंगी वीडियो में वो मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी कि आप लोग आंसर राइटिंग में काफ़ी अच्छे से उसे डिटेल में डेप्थ में लिख कर आ सकें। तो जैसे कि इसमें हम स्रोत के रूप में करेंगे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, देशी स्रोत, विदेशी स्रोत। देशी स्रोत में भी कई टाइप्स होंगे, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। बाकी विदेशियों में भी ग्रीक, सिंहली, चीनी, तिब्बती, अरबी, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिसके द्वारा हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। इसी तरह आरंभिक पशुचारण ने किसी समुदाय पुरातात्विक साक्ष्य नवपाषाण एवं ताम्रप्राषाण संस्कृतियाँ, ये करेंगे हम इसमें। सिंधु सभ्यता इसकी उद्गम इसका उद्गम तथा प्रकृति एवं हास, ये भी टॉपिक हमें जीएस पेपर वन में मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम पढ़ना है ये आप लोग को पता है, और यहाँ पर एज अ जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक आएगा भारत में 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक बस्ती का स्वरूप, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन, धर्म, पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य। इसमें हमारा जब महाजनपदों का उदय हुआ था उस टाइम का हमें भारत करना है इसके अंदर में। इसी तरह उत्तर भारतीय समाज तथा संस्कृति का विकास, वैदिक ग्रंथों का साक्ष्य, संहिताओं से सूत्रों तक। संहिताओं से सूत्रों तक जब तक ये बना था तब तक हमें उत्तर भारत का सारा संस्कृति समाज सब कुछ करना है। वैदिक ग्रंथों का साक्ष्य, चार वेद हैं जो हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, ये चारों वेदों के बारे में हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट महावीर तथा बुद्ध की शिक्षा, समकालीन समाज, राज्य निर्माण, नगरीकरण के आरंभिक चरण, ये महाजनपदों के काल के बाद का जो टाइम है उसमें से ये हमें टॉपिक करना है। नेक्स्ट मगध का उदय, मौर्य साम्राज्य, अशोक के शिलालेख, उसका धम्म, मौर्यकालीन राज्य की प्रकृति, मतलब कि मौर्य साम्राज्य का जितना भी समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था जो कुछ भी इसके अंदर आएगा सब हमें इसमें करना है। और आप लोग ये सिलेबस, मैं इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज के ऊपर, आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेबस ही होती है, अगर आपको सिलेबस अच्छे से लर्न है तो क्वेश्चन सीधे सीधे सिलेबस में से ही पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। तो जो लोग हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं वो लोग इसका सिलेबस प्रिंट आउट करवा के अपने टेबल के, स्टडी टेबल के ऊपर लगा दें और इसे रोज़ आप लोग देखें और इसे लर्न कर लें, सिलेबस को लर्न कर लें। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप लोग प्री के रिज़ल्ट का वेट बिल्कुल मत करिए, ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आप लोग प्री के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और अगर आपका हो जाता है तो मेंस आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है कि आप लोग प्री के रिज़ल्ट के बाद जितना टाइम होता है उतने टाइम में आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दें, जो सेफ जोन में हैं और जो नहीं है, दोनों से ये कह रही हूँ कि आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें क्योंकि आपको बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी तथा प्रायद्वीपीय भारत में मौर्योत्तर काल, राजनीति एवं प्रशासनिक इतिहास, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा धर्म, तमिलकम एवं इसका समाज संगम ग्रंथ। इसमें पूरा हमें मौर्य काल के बाद का हमें सब कुछ पढ़ना है। उत्तरी तथा प्रायद्वीपीय भारत मतलब होल इंडिया का हमें इसमें पढ़ना है। जैसे कि नीचे के साइड में पांड्य, चोल, ये सारा हमें पढ़ना है। तमिल
और उसका संगम जो ग्रंथ संगम समाज था वो सारे उसके बारे में हमें डिटेल में इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे गुप्त काल में तथा गुप्तोत्तर काल में भारत 750 ईस्वी तक उत्तरी तथा प्रायद्वीपीय भारत का राजनीतिक इतिहास सामंती व्यवस्था तथा राजनीतिक संरचना में परिवर्तन अर्थव्यवस्था सामाजिक संरचना संस्कृति तथा धर्म। इसमें हमें गुप्त काल और गुप्त काल के बाद का जब गुप्त काल का पतन हो जाता है उसके बाद हर्ष का जो काल आता है वो हमें इसमें पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट आरंभिक भारतीय संस्कृति इतिहास की विषय वस्तु भाषाएं एवं ग्रंथ कला तथा स्थापत्य के विकास के प्रमुख चरण प्रमुख दार्शनिक विचारक एवं विचारधाराएं तथा विज्ञान और गणित संबंधी विचार। अब ये जो इसमें दिया हुआ है प्रमुख दार्शनिक विचारक एवं विचारधाराएं ये हमारा टॉपिक एथिक्स में भी कवर होगा ये टॉपिक हमारा GS1 में भी कवर होगा। तो ये जो टॉपिक मैं यहाँ कराऊंगी वही मैं स्पेसिफिक बता दूंगी कि आप लोग ये टॉपिक वहाँ भी कर सकते हैं। हम लोग कंबाइन करके साथ में काफ़ी चीज़ें लेकर चलेंगे कि बार बार एक ही चीज़ ना पढ़नी पड़े हमें। मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी कि ये कौन से पेपर में आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री लेने का एक बहुत ही फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे GS Paper 1 और हमारे SC के पेपर के लिए भी हिस्ट्री बहुत काम आती है। तो इसलिए हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है और थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है तो वो ये सब्जेक्ट चूज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हिस्ट्री खंड ख जो पेपर 1 का खंड ख है वो हम करेंगे। इसमें है 750 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश तथा राजनीतिक संरचना राजपूत राजवंश का उदय चोल साम्राज्य ये पूरा टॉपिक हमें यहाँ कवर करना है। नेक्स्ट अरबों की सिंध विजय और गजनी साम्राज्य इस्लाम का आगमन और सूफीवाद अलबरूनी तथा उसका भारतीय विज्ञान और सभ्यता का अध्ययन। इसने स्पेसिफिक यहाँ बोल दिया है कि हमें अलबरूनी के बारे में पढ़ना है स्पेसिफिकली उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करनी है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे भारत 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। हमने वहाँ 750 से 1200 पूर्व तक पढ़ा था ईस्वी पूर्व तक। अब ये भी हम जानेंगे ईस्वी क्या होती है ईस्वी पूर्व क्या होता है। ये सब जो बेसिक पढ़ रहा है उसको ये सब नॉलेज नहीं होगी तो हम ये भी डेप्थ में डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था समाज साहित्य प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ धार्मिक विचार तथा संस्थाएँ भक्ति आंदोलन का उदय। नेक्स्ट है गौर आक्रमण इसमें आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम और सल्तनत की स्थापना। हम टॉपिक वाइज एक एक चीज कवर करेंगे कुछ भी इसमें आपका छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा सल्तनत काल तथा राजनीतिक राजवंश गुलाम खिलजी तुगलक लोदी वंश प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के वृतांत सल्तनत कालीन समाज एवं संस्कृति। ये जो आपका सल्तनत काल है ये सारा GS1 में कवर हो रहा है तो ये सब हमें GS1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो GS1 के लिए भी ये टॉपिक्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर के लिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्षेत्रीय नहीं आएगा यहाँ क्षत्रिय आएगा क्षत्रिय राज्यों का उदय बहमनी तथा विजयनगर राज्य जो कि सल्तनत काल के टाइम में ही इनका उदय हुआ था ये टॉपिक हम करेंगे। नेक्स्ट मुगल काल में बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था मुगल कालीन समाज क्या था सांस्कृतिक प्रशासन आर्थिक परिवर्तन और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन अंग्रेज आए थे कैसे यहाँ से ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। ये एक नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स शिवाजी और मराठों का उत्कर्ष सिख शक्ति का उदय पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ से ये नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ साथ में नहीं है यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे मुगल काल के इतिहास के स्रोत फारसी तथा देशज विदेशी यात्रियों के वृतांत ये मुगल काल के हैं। तो मतलब हर एक टॉपिक हर एक चीज़ हमें डेप्थ में करनी है सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक साहित्यिक जितनी भी चीज़ें कला स्थापत्य कला
संस्कृति, वास्तुकला, ये सब चीज़ें हमें डेप्थ में, डिटेल में, एंशियंट काल से मॉडर्न काल तक पूरा करना है। ये हमारा ओनली पेपर वन है जो कि मुगल काल पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो पेपर टू होगा वो हमारा अंग्रेज़ों का जो स्वतंत्रता अंग्रेज़ों से हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो, और प्लस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस थोड़ी बहुत चीज़ें वो सब लेके कवर होगा, तो उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो अलग बनाऊंगी। सबसे पहले हम पेपर वन कवर करेंगे, फिर मैं पेपर टू पर आऊंगी। और जीएस पेपर वन में जो भी चीज़ें पेपर टू से रिलेटेड हैं हिस्ट्री के, वो हम उसमें कवर करते हुए चलेंगे। उससे कोई इसमें समझौता नहीं होगा कि जीएस पेपर वन में है तो ये इसमें बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जीएस पेपर वन मैं साथ के साथ लेकर चलूँगी उसमें जो पॉइंट है। तो मैं ये तीन सब्जेक्ट एथिक्स, जीएस पेपर वन और हिस्ट्री एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको तीन पेपर साथ में लेकर चलूँगी और कोशिश करूँगी डेली एक वीडियो आपको दे सकूँ ताकि आप लोग जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो आप लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन शेयर बहुत कम लोग कर रहे हैं। ये मैं देख रही हूँ कि आप लोग सिर्फ नॉलेज अपने तक क्यों रखना चाहते हैं। आप लोग दूसरों को भी शेयर कीजिए, ये नॉलेज दूसरों तक भी दीजिए। जिन लोगों को हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं पता कि ऐसा भी कोई चैनल है जो हिस्ट्री एज ऑप्शनल सब्जेक्ट जीएस पेपर वन, जीएस पेपर फोर बहुत अच्छे से करवा रहा है, तो आप लोग इस चैनल को, इस पेज को शेयर कीजिए, हमारे सक्सेस मंच पेज को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक अधिक से अधिक मात्रा में सूचना पहुँच सके, हमारे चैनल के बारे में सब लोग को अवेयरनेस हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।